नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप और कैसी है आपकी सेहत? बड़ी ठंडी हो रही है ना, और ठंडी में मैम सुबह उठ के पढ़ाई भी करना है। कोई बात नहीं बच्चों, ब्लैंकेट में बैठ के भी पढ़ाई कर सकते हैं ना। योगा करेंगे, फिट रहेंगे और खूब पढ़ाई भी करेंगे, साथ में खूब खेलेंगे भी, है ना। ओके बच्चों, आप मेरे को एक बात बताइए, आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा था आज़ादी की मिठाई, क्यों इसे आज़ादी की मिठाई का नाम दिया गया है? क्योंकि ये हमें बड़े संघर्ष के साथ मिली, गांधी जी और उनके अनेक साथी नेताओं ने उसमें भाग लिया और हमारे देश को आज़ादी दिलाई। ठीक है, आपने वो देखा वीडियो, बड़ा इंटरेस्टिंग था ना। आज बच्चों हम लोग उसी का ही रीडिंग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। सो द टॉपिक ऑफ द डे इज़ आज़ादी की मिठाई पार्ट टू। तो आप सब सेट हैं रीडिंग करने के लिए। आज का पार्ट है आज़ादी की मिठाई पार्ट 16। 16 अगस्त। प्रिय जॉन, जब से तुम अपने मम्मी पापा के साथ फ्रांस में जाकर बसे हो, तब से हमारे साथ जब भी कुछ नया होता है, हम दोनों उसे एक दूसरे को पत्र लिखकर बताते हैं। कल मुझे भी कुछ नई सीख मिली जो मैं तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ। कल 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस था और हमें तिरंगा झंडा लाने के लिए विद्यालय में कहा गया, जो मैं अपने हाथों से बनाकर ले गया। हमारे विद्यालय में झंडा फहराया गया तथा राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया। उसके बाद मिठाइयाँ बांटी गई। मैं विद्यालय से घर आया और माँ को बताया कि आज मेरे विद्यालय में खाने के लिए मिठाई मिली, जिसका स्वाद मैंने मज़े से चखा। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा वह कोई साधारण मिठाई नहीं बल्कि आज़ादी की मिठाई थी, जो एक अलग ही मिठास छिपाए रहती है। वह एक साधारण मिठाई नहीं बल्कि एक अलग ही मिठाई छिपाए रहती है, वो है आज़ादी की मिठाई। जिस तरह तुम भी आज़ादी की मिठाई का मतलब नहीं समझ पा रहे होंगे, वैसे ही मैं भी कुछ नहीं समझ पाया था। फिर माँ ने बताया कि हमारा देश सैकड़ों साल पहले बहुत अमीर था, इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था सारी दुनिया के लोग हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते थे। ऐसे ही एक कंपनी इंग्लैंड से हमारे देश में आई। वह भारत आई तो थी काम करने, पर धीरे धीरे धोखा देते हुए उस कंपनी के लोगों ने हमारे देश पर कब्ज़ा कर लिया और इस तरह हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम हो गया आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने उन अंग्रेज़ी लोगों को हमारे देश से भगाने की जंग शुरू की, लेकिन यह जंग किसी को
चोट न पहुंचाते हुए अहिंसा के मार्ग पर चलकर सिर्फ अंग्रेज़ों से अपने देश की आज़ादी चाहती थी। इस जंग में महात्मा गांधी तथा उनके साथियों का संघर्ष रंग लाया और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश गुलामी से आज़ाद हुआ और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश गुलामी से आज़ाद हुआ। सोचिए और बताइए 15 अगस्त को प्रधानमंत्री कहाँ पर झंडा फहराते हैं। आपके लिए वर्कशीट पाठ। अभी और आगे बढ़ते हैं बच्चों। तभी से हर साल हमारे देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित लाल किले पर झंडा फहराते हैं और यहाँ कई रंगारंग कार्यक्रमों के साथ जुलूस भी निकाला जाता है। मैंने जो विद्यालय में मिठाई खाई उसका मुझे असली मतलब अब समझ में आया कि वो मिठाई आज़ादी की मिठाई थी। ठीक है बच्चों, आपको रीडिंग समझ में आया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको रीडिंग और उसका उच्चारण पाठ अच्छे से समझ में आया होगा और कहीं भी आपको कठिनाई दिखे पढ़ने में तो यू कैन कॉल मी। ठीक है, तो मुस्कुराते हुए अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए नमस्कार बच्चों।